हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के वीडियोस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो कुछ 3 से 4 कमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल ये है कि रिटन एग्जाम के मार्क्स कब पता चलेंगे। देखिए, रिटन एग्जाम के मार्क्स अगर KVS को शो करना था तो वो पहले ही शो कर चुका होता। अगर उसको कट ऑफ अगर बतानी होती तो वो पहले ही यहाँ पे कट ऑफ बता चुका होता, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि रिटन एग्जाम के मार्क्स और कट ऑफ आपका पता चल सकता है जब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा अब अपने पोस्ट पर, तो उसके बाद ही यहां पे मार्क्स आपके शो हो सकते हैं और कट ऑफ हमको पता चल सकती है, ठीक है। यहां पे ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही है, काफी सारी खामियां भी देखने को मिल रही है रिजल्ट में। कैटेगरी वाइज यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कैंडिडेट को कि किन कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पे ओबीसी कैटेगरी में हुआ है या किन कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पे यूआर यानी जनरल कैटेगरी में हुआ है, तो ये यहां पे क्लैरिफाई नहीं है। तो रिजल्ट जो यहां पे का लगा है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी यहां पे देखने को मिल रही है और डेटा जो है प्रॉपरली यहां पे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, जो कि लिस्ट देखने को मिल रही है हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट थे और एक सर्विसमैन थे तो उनको यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है और ना ही यहाँ पे कट ऑफ पता चली है, ना ही कैंडिडेट को यहाँ पे उनके मार्क्स पता चल रहे हैं और ना ही यहाँ पे अपडेटेड आंसर की आई थी। काफी सारी खामियां हमको देखने को मिल रही है। सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आपको आपके मार्क्स पता करना है तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको RTI फाइल करना होगा। आपने जो रिटन एग्जामिनेशन दिए थे उसके रिगार्डिंग आपको RTI फाइल करना होगा। जितने ज्यादा RTI जाएंगे आपके मार्क्स के रिगार्डिंग, आप जो है स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया गया था वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो या नहीं हो, टाइपिंग टेस्ट हो गया या फिर CPT एग्जामिनेशन हो गया, वो एग्जाम आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो ये भी अभी तक कैंडिडेट को नहीं पता चला है। तो काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज है, उनका रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स तो काफी अच्छे है बट स्किल टेस्ट में वो क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं है। उनका CPT एग्जामिनेशन तो काफी अच्छा गया हुआ था बट यहाँ पे CPT के मार्क्स भी यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं, ना ही उनकी लिस्ट जारी की गई है कि वो कैंडिडेट क्वालिफाई है या नहीं है स्किल टेस्ट में। तो काफी सारा कंफ्यूजन है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है KVS ने दिखाना चाहिए था, कैंडिडेट को शो करना चाहिए था उनके मार्क्स कि उनके रॉ नंबर्स कितने आए हुए हैं, उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने आए हुए, अपडेटेड आंसर की शो करना चाहिए था, स्किल टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे क्वालिफाइड एंड डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट का शो करना चाहिए था, कट ऑफ यहाँ पे बताना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई भी डेटा ऑफिशियली KVS ने नहीं बताया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपको पता करना होगा तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, आपको RTI फाइल करना होगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका था कि किस तरीके से आपको RTI फाइल करना है। अगर आपके ज्यादा कमेंट्स होंगे इस बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो कमेंट आ रहा था कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ पे मेल किया जाएगा KVS के तरफ से, जहां तक कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ के एंड ऑफ द वीक यानी अगस्त के लास्ट वीक तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगस्त के लास्ट वीक में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो उन कैंडिडेट को रेगुलरली अपने मेल्स चेक करना है और आपको बाय पोस्ट भी यहाँ पे लेटर भेजा जाएगा KVS संगठन के तरफ से। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जितने ज्यादा आप कमेंट्स करोगे उतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड होगी। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर करिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।